न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अंतर्गत सेगवा हाउसिंग बोर्ड में एक रिटायर्ड महिला नर्सिंग कर्मी की हत्या का मामला सामने आया। वहीं दूसरी ओर बूंदी रोड स्थित दरगाह में कौमी एकता की एक अच्छी मिसाल देखने को मिली, जिसमें हिंदू व मुस्लिम संस्थाओं ने मिलकर पौधारोपण किया। और अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अंतर्गत सेगवा हाउसिंग बोर्ड में शनिवार देर शाम एक रिटायर्ड नर्सिंग कर्मी 68 वर्षीय शारदा देवी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या का मामला सामने आया है। इस प्रकरण की सूचना मिलने पर सदर थाना अधिकारी विक्रम सिंह मय जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचे और मृतका के पड़ोसियों से मामले की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने मृतका के शव को जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि मृतका के पीठ पर चाकू से एक से अधिक वार किए गए हैं। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया कि मृतका शारदा देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने ही भाई के पुत्र रितेश को गोद ले रखा था, जिससे कुछ महीने पहले से मृतका का घरेलू विवाद चल रहा था। इसी कारण मृतका घर पर अकेली रह रही थी। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया कि कुछ दिन पहले भतीजे रितेश और मृतका का किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था और उसी के बाद 18 जुलाई की सवेरे से मृतका शारदा देवी घर से बाहर नहीं निकली। इस पर पड़ोसियों ने उसके घर जाकर कई आवाजें लगाई, मगर वह बाहर नहीं निकली। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ और पड़ोसी उसके घर के अंदर गए और वहां देखा तो शारदा देवी औंधे मुंह फर्श पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इस पर घबराकर पड़ोसियों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम में जो चोटे हैं वो धारदार हथियार से की गई हैं, पीठ पे वार किए गए हैं, जिससे जो आते हैं वो कट गई हैं और काफी ब्लीड होने की वजह से मृत्यु हुई, काफी ब्लड जाने की वजह से। सिर में भी चोट की बात की? सिर में चोट है, लेकिन सिर में जो चोट है वो चमड़ी के भीतर तक ही है, अंदर नहीं गई है। सर में कुछ नहीं है, जो भी चोट हुई है वो अंदर जो वाइटल्स ऑर्गन है उसकी वजह से, ज्यादा ब्लड जाने की वजह से। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बूंदी रोड स्थित दरगाह में कौमी एकता की एक अच्छी मिसाल देखने को मिली, जिसमें हिंदू व मुस्लिम संस्थाओं ने मिलकर पौधारोपण किया। हिंदू व मुस्लिम समुदाय की विभिन्न संस्थाओं, जिनमें अपना संस्थान, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच और राष्ट्रीय सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। राष्ट्रीय सद्भावना मंच के प्रदेश संयोजक अरविंद व्यास ने इस संबंध में क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। जी, अपना संस्थान चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच और राष्ट्रीय सद्भावना मंच, जिसका मैं प्रदेश संयोजक हूँ, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया प्रकृति की पूजा वंदना और पौधारोपण और पौधा रक्षण, उसको पालेंगे पोषेंगे भी सही, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया। तो आज ये शुभ अवसर मिला ये कार्य करने का, तो हमने 10 पौधे कुरान वाटिका के अनुसार, क्योंकि ये जगह दरगाह है, अल्लाह ताला की जगह है, ईश्वर की जगह है, तो हमने उन पौधों का चुनाव किया जो कुरान वाटिका, कुरान में जिनका संदर्भ आया है मोहम्मद साहब, हजरत साहब, पैगंबर साहब की तरफ से, कि तुलसी का पौधा हुआ, बेलू हुआ, खजूर हुआ, ये कुछ पौधे हैं जिनमें मेहंदी है, इनका जिक्र उसमें है और बड़े फायदेमंद है ये, न सिर्फ खान पान के लिए बल्कि औषधि के लिए भी। तो इन पौधों का हमने यहाँ पर आज रोपण किया है और उनकी रक्षा करेंगे। और मैं चूँकि सद्भावना मंच की तरफ से हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि हमने आज मोहब्बत के बीज बोए हैं, सद्भावना की बारिश होगी और ये सारे फूल खिलेंगे, कौमी एकता के अच्छी भावना के फूल खिलेंगे, इसी आशा के साथ। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।